दोस्तों, आज टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकाराओं में सबसे टॉप पर नाम लिया जाता है अभिनेत्री दृष्टि धामी का, जो कि आज इतनी कामयाब और मशहूर हो गई हैं कि इनके बारे में हर एक शख्स बखूबी जानता है, चाहे फिर बात फिल्मी सितारों की हो या फिर आम जनता की, जो कभी मधुबाला के लिए मशहूर हुई है तो कभी गीत के लिए। लेकिन दोस्तों, यूं तो आपको लगता ही होगा कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज भी इनसे कई ऐसी दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं जो आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के जरिए इनसे जुड़े 19 सवालों के जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं इनसे कुछ जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। इनकी रियल लाइफ, फैमिली, करियर, टीवी शोज और लव अफेयर्स के बारे में भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, बिना देरी किए और बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले आप दृष्टि धामी के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दृष्टि धामी का जन्म 10 जनवरी 1985 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं के मैरी इमैक्यूलेट गर्ल्स स्कूल से पूरी की और आगे चलकर मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वहीं अब बात कर लेते हैं दृष्टि धामी के अभिनय करियर के बारे में। तो एक्ट्रेस बनने के जुनून की बदौलत इन्होंने कई ऑडिशंस दिए, जिन्हें आगे चलकर इनके सबसे पहले कमर्शियल शो में काम करने का मौका मिला, जिसमें सैफ अली खान के साथ कोलगेट के कमर्शियल के साथ साथ लाइन हनी और अमूल के कमर्शियल शोज में काम किया। और इसीलिए मॉडलिंग करने के बाद इन्होंने सैयद दिल में आना रे म्यूजिक वीडियो से अपनी करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद इन्होंने नचले सोनियों और हमको आजकल जैसे कई म्यूजिक वीडियो में काम भी किया। इसी वजह से इन्हें साल 2007 में स्टार वन पर प्रसारित हुए शो दिल मिल गए में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने डॉक्टर मुस्कान की भूमिका अदा की थी, जिनका ये किरदार लीड रोल ना होने के बावजूद भी इनके लिए काफी लकी साबित हुआ था, जिसके बाद इन्होंने कई टीवी शोज में काम किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। करियर के बाद अब बात कर लेते हैं दृष्टि धामी की रियल लाइफ फैमिली के बारे में। तो वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी फैमिली में टोटल 5 ही सदस्य हैं, जिनमें इनके मम्मी पापा, एक बड़े भाई और इनके हस्बैंड शामिल हैं। इनके मम्मी पापा मुंबई में रहकर ही अपना कारोबार संभाल रही हैं, जिन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं अगर बात की जाए इनके भाई के बारे में, तो इनके भाई का नाम जयशील धामी है और ये भी अपने पापा के साथ बिजनेस का काम संभालते हैं। साथ ही ये टीवी इंडस्ट्री के बेहद खूबसूरत अदाकारा सुहासी धामी के साथ शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं, जो कि इनका एक बेटा भी है और इनके बेटे का नाम कबीर धामी है। वहीं दृष्टि धामी के हस्बैंड का नाम नीरज खेमका है, जिनके साथ इन्होंने साल 2015 में ही शादी कर अपना घर बसाया था, जो कि एक NRI बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही ये सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ के साथ अपलोड की गई फोटोज को लेकर भी खूब सुर्खियों में बने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं दृष्टि धामी के लव अफेयर्स के बारे में। तो भले ही ये काफी लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से जुड़ गई हों, लेकिन इनके नाम सिर्फ और सिर्फ इनके हमसफर नीरज खेमका के साथ ही जोड़ा गया था, जो कि तकरीबन 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। इन्होंने रियलिटी शो झलक दिखलाजा सीजन 6 में अपना प्यार कबूला था, जहाँ अभिनेत्री दृष्टि धामी नीरज खेमका के साथ डांस परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से ही इन्हें आज तक इस जोड़ी को टीवी इंडस्ट्री के टॉप जोड़ियों में गिना जाता है। अगर बात की जाए अभिनेत्री दृष्टि धामी के पॉपुलर टीवी शोज के बारे में, तो इन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई टीवी सीरियल्स और शोज में हिस्सा बनकर उन्हें सुपरहिट साबित किया है, जिनमें गीत हुई सबसे पराई, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, परदेश में है, मेरा दिल और एक था राजा एक थी रानी जैसे कई सारे हिट सीरियल्स शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो थी दृष्टि धामी की असल जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन आप दृष्टि धामी के किस कैरेक्टर के सबसे बड़े फैन रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस कैरेक्टर का नाम जरूर बताइएगा। और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।